सब कोई को मेरा एकदम बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार। हाँ, सबके जी ग्रुप के नाम इश्नल संस्कृति आ संस्कार अपने आप में एक एहन आकर्षण लेने छे चीज संस्कृति आ संस्कार बहुत नीक जकर की अपना सबके बहुत आवश्यकता छे, खास करके आय के जमाना में देखें कि अपना सब कोई डिजिटल भ गेल छे। हम हाँ, बहुत बहुत अच्छा नाम सतीश जी, बहुत अच्छा नाम संस्कृति और संस्कार। हम लोगों के लिए तो थैंक यू, हम लोग के लिए तो बहुत ही ये है बबीता, खुश रहिए, जो बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे बहुत अच्छा लगा हम लोगों के आज की लाइफ में जो कमी है वो क्या कमी है, हमारी संस्कृति की कमी है, संस्कार की कमी है। क्यों? क्योंकि हम लोग डिजिटल हो गए हैं। थैंक यू सतीश जी। हम लोग डिजिटल लाइफ जी रहे हैं। आज भी देखिए कोई भी लाइफ डिजिटल भी होता है, या कि डिजिटल अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। किसी भी बात के दो पहलू होते हैं, एक तरफ सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं वैसे ही एक अच्छा एक बुरा। ये कोरोना की स्थिति ने हम लोगों के जनजीवन को त्रस्त करके रख दिया है, अगर सच पूछिए तो। अब कोरोना के समय में अब घरबंदी का ये माहौल है। अब देखिए घरबंदी के माहौल में औरतें औरतों का भी हाल बेहाल है, अब क्या कहा जाए। मैंने कहा ना, ये इसी जगह संस्कृति और साहित्य की आवश्यकता होती है, जहाँ की स्त्रियों का घरबंदी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे देश में होता है, खासकर हमारे बिहार में और खासकर मिथिलांचल में, लड़कों को तो एकदम घर के काम की ट्रेनिंग दी नहीं जाती है। वो समझते ही नहीं है जो हमें घर के काम में हाथ बटाना चाहिए, इसलिए उनको नहीं दी जाती है। तो वो आराम से अभी चाय लाओ, जरा सा पकोड़े बना दो, जरा सा, वो नहीं समझते हैं जो एक आम औरत जो घर गृहस्थी में रहती है, घर की में वो 6 घंटे काम करती है, घर में अनपेड वो 6 घंटे घर में काम करती है बिना किसी पैसे के, बिना किसी तनख्वाह के। पति संस्कार और संस्कृति, संस्कृति और संस्कार यही काम देता है, जबकि पति उसे संस्कारवान मिल जाता है तो वो पत्नी के काम में हाथ बटाता है। अच्छा छोड़ो, तुम बहुत परेशान हो रही हो, चलो मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। और जहाँ वो संस्कार नहीं मिला है बच्चों से बचपन से, वहाँ पर क्या होता है, जो पत्नी त्रस्त रहती है, कभी बच्चे कुछ मांगते हैं, बच्चे भी घर में, पति भी घर में, अगर खुद काम काजी हो तो उस पत्नी की हालत तो और भी तबाह हो जाती है, क्योंकि उसे भी ऑनलाइन काम करना पड़ता है। अब पति भी ऑनलाइन काम कर रहा है, पत्नी भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अब उस घर को क्या कहा जाए, इस घर में किसकी बात को रखी जाए और किसकी बात को हटाई जाए, किसका दुख देखा जाए। और एक दिन का दुख नहीं है, मैं सोचती हूँ इस दुख को भोगते भोगते 70 दिन तो करीब हमारे हो गए होंगे, जो कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस घर में, देखिए इसका एक और ये भी बात होती है, जे घर में से प्यार के माहौल रहे छे, जहाँ संस्कार संस्कृति से अहाँ प्यार दै छिए सबके, अहाँ एकटा पूरा परिवार एकटा प्यार के बंधन में बंधल छे, तो ओहि घर में माय बाप भाय बहिन सब रहै छे, सास ससुर सेहो रहै छे, भाय बहिन नहियो रहल, सास ससुर रहल, दियर ननद रहल, तो एहि तरह से जे छे से आप देखिए, जो जहाँ परिवार को प्रेम मिला हुआ है, प्रेम के बंधन उसको संस्कार में ही मिले हुए हैं, तो वहाँ वो एक दूसरे को प्यार कर सकता है,
वहाँ वो एक दूसरे को देख करके खुश होता है, लेकिन जहाँ संस्कार नहीं होता है ना, वहाँ तो वही संस्कार की बात यहाँ नहीं उठती है, ये बचपन से ही दी जाती है। जो जहाँ पति नहीं समझते हैं मुझे क्या लेना, ये तुम इतना भी नहीं कर सकती हो क्या, अब क्या हो गया है, आपने काम वाली को मना कर दिया है, आपने खाना बनाने वाली को मना कर दिया है, आपकी पत्नी काम वाली है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की, बहुत ज़्यादा परेशानी की बात हो गई है, जो हम उन्हें नहीं ला पा रहे हैं घर में। और इससे क्या होता है, एक आदमी पर, एक औरत पर अगर सारा भार आ जाए तो वहाँ क्या स्थिति होगी उस परिवार की, एक दिन दो दिन नहीं, एक महीना भी नहीं, महीनों महीने चले आ रहे हैं। तो कोई औरत अगर मिलजुल कर सब काम करते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हुए, एक दूसरे की बड़ाई करते, माँ ये छोड़ दे तू, नहीं काज नहीं कर तू, नहीं हम क्या लेवे, नहीं करिए आ छोड़ियो ना, हमू क्या लेवे ना, अब ये में की छे, अपना सब मिलजुल के क्या ले। वहाँ ओठा बहुत निक लागै छे, ओठा हाँ मिथिला संस्कृति, भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है, इसलिए मैं कह रही हूँ ये संस्कृति, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम ही है संस्कृति और संस्कार, जिसने मुझे बांध लिया अपने मोह में, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सच पूछो आप लोग तो अपना सबके आए सबसे पैघ देश में कमी की छे संस्कृति के, संस्कार के, क्या तो अपना सब डिजिटल वर्ल्ड में जी रहा छे, अहाँ सब बच्चा के, अपन बच्चा के, बच्चे से संस्कार और संस्कृति दियो, संस्कृति और संस्कार के धारा जे छे ना नीचा से ऊपर नहीं जाए छे, ऊपर से नीचा गिरे छे, ऊपर से नीचा गिरे छे, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। एहि दुआरे अहाँ जे संस्कृति देबे अहाँ के बच्चा, वो जे देते संस्कार ओकर बच्चा, ओकर बच्चा एखनो संस्कार जीवित छे। ताहि दुआरे अब अगला पीढ़ी तो भगवान जाने, लेकिन संस्कार एखनो जीवित छे और जीवित रहते। हम एतबे कहब अहाँ सबके, सतीश जी, नीलू जे, ई एतेक सुंदर ग्रुप अहाँ सब संस्कार और संस्कृति के खोजल, एकर एकर अहाँ सब आगू बढ़ाओ, जे केना हम अपन आगू वाला पीढ़ी के, देखियो काचे काचे माटि बनै छै, पाकल माटि तऽ अहाँ नहि बना सकै छी कुछ, आ काच माटिके अहाँ बना सकै छी। तऽ काचे माटिके अर्थ की भेलै, जखन पेटमे बच्चा रहै छै तखने से बच्चा के संस्कार बननाइ शुरू भए जाइ छै। हमर कहैके ई अर्थ जे बच्चा के ओहिना पालन पोषण जहिना माय ओकरा संस्कार दै छै, तऽ बाप ओकरा संस्कृति दै छै, ओकर संस्कार के बाप आगू करै छै। एहि दुआरे ई बहुत जरूरी छै जे एहि सबमे से हम सब पूरा के पूरा संस्कार से और संस्कृति से मानव समाज भरल रहे। हम सब बाँटी की संस्कार, हमरा सबके पास की अछि, संस्कार ये, और की संस्कार तो दूटा मीठ बोल। अब आप लोगों से यही है मेरी प्रार्थना, जो आप लोग हर एक आदमी में अच्छाई खोजिए, हर एक की तारीफ करना सीखिए, खास करके जो संयुक्त परिवार में है वो एक दूसरे की तारीफ करना सीखे, और क्या अच्छा है क्या बुरा है ये इस मंथन को आत्ममंथन कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। संस्कृति और संस्कार को आप लोग आगे बढ़ाइए, आप लोग जितने आए हैं सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद। आप लोग आगे बढ़िए, मेरा यही आशीर्वाद रहेगा।